20 अगस्त के ईश्वर दयानंद का स्वागत है। परमपिता परमात्मा कहते हैं कि सब कुछ बाप हवाले कर, कमल पुष्प समान न्यारे प्यारे रहने वाले डबल लाइट बाबा, हमारी सारी समस्याएं, लौकिक समस्याएं, अपने अलौकिक जीवन में भी काम क्रोध लोभ अहंकार के ऊपर कितना जीत पा पाए हैं हम, वो भी एक प्रकार की समस्या ही है। अगर उसको अगर हम पार ना कर पाएँ तो फिर हमें वो तंग करती रहेंगी पाँच विकार, तो उनको भी क्या करना है, परमात्मा के ऊपर सौंपना है। बाप का बनना अर्थात सब बोझ बाप को दे देना, डबल लाइट का अर्थ ही है सब कुछ बाप हवाले करना, मैं हल्की हो जाऊँ आत्मा, सब परमात्मा पे छोड़ दिया मैंने, ये तन भी मेरा नहीं। बहुत मुख्य बात है, ये तन भी मेरा नहीं, क्योंकि अगर तन मेरा होता है फिर तन के साथ में बाकी सारी चीज़ें भी मेरी हो जाती हैं, है ना। तन के साथ में नाम जुड़ा है, नाम के साथ में सरनेम जुड़ा है, सरनेम के साथ में धन संपत्ति के ऊपर नाम अपना पड़ा हुआ है तो वो भी मेरा मेरा लगता है। मेरा नाम अगर धन संपत्ति की प्रॉपर्टी के ऊपर आ गया तो मेरा हो गया, अगर चेकबुक के ऊपर मेरा नाम है तो वो बैंक बैलेंस मेरा हो गया। तो नाम शरीर से जुड़ा है और शरीर से ही सारी माया की जो होती है पूंछ वो जुड़ जाती है। तो परमात्मा इसलिए कह रहे हैं कि बाप का बनना अर्थात सब बोझ बाप को दे देना, डबल लाइट का अर्थ ही है सब कुछ बाप हवाले करना, ये तन भी मेरा नहीं। तो जब तन ही नहीं तो बाकी क्या, बाकी कुछ रहेगा क्या। आप सबका वायदा ही है, तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा, तो संपत्ति भी तेरी, प्रॉपर्टी भी तेरी, कागज़ भी तेरे, सब कुछ तेरे, बस मेरा उसको संभालने के लिए सिर्फ मेरा नाम लिखा हुआ है, मैं उसका ओनर नहीं हूँ। हम किस प्रॉपर्टी के ओनर बन सकते हैं आप सोचिए, हम किस बैंक के मालिक बन सकते हैं आप सोचिए, हम किस धन के, कागज़ के, पेपर के धन के मालिक, नोटों के मालिक बन सकते हैं, कभी नहीं। वो सिर्फ खेल खेलने के लिए एक माध्यम बने हुए हैं, वो हमारा नहीं है धन, वो सिर्फ आदान प्रदान करने के लिए, लेन देन करने के लिए, बस कर्म करने के लिए बस माध्यम बना हुआ है। उसकी उसका ज़्यादा होना या कम होना हमारी हैसियत को नहीं दिखाता है, क्योंकि परमात्मा हमें हमारे धन के अभाव या धन की पूर्ति होने पर हमसे प्यार नहीं करते हैं। परमात्मा हमारे रंग रूप, हमारे फैशन, कपड़ों वपड़ों, हमारे पदार्थ वस्तुओं को देख करके हमसे प्यार नहीं करते हैं, वो हर आत्मा से इक्वल प्यार करते हैं, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे कुछ भी हो। जब सब कुछ तेरा कहा तो बोझ किस बात का, सब जब सब कुछ तेरा है परमात्मा, सब धन संपत्ति आपकी है तो बोझ मेरा नहीं है, आप ही काम करवा रहे हो। इसलिए कमल पुष्प का दृष्टांत स्मृति में रख, एग्जाम्पल मतलब दृष्टांत वाला एग्जाम्पल स्मृति में रख, सदा न्यारे और प्यारे रहो तो डबल लाइट बन जाएंगे, न्यारा चीज़ों से, मुसीबतों में से न्यारा और परमात्मा का प्यारा। ओम शांति।